वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय चैनल लर्न विद स्टडी। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 26। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 तक ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ और टोटल 260 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप इसको सिक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सिक्वेंस वाइज मिल जाएगा। इस टॉपिक से टोटल 340 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 261 से 270। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। देखिए, प्रीवियस ईयर सीरीज में 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरह से। नंबर सिस्टम 413 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 35 वीडियो में। परसेंटेज 314 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 वीडियो में। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन 268 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 27 में। और ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हैं आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे इस टॉपिक को आप सिक्वेंस वाइज देख सकते हैं, पार्ट वाइज देख सकते हैं। इस वीडियो का भी टारगेट है 500 लाइक का। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि मेरे को भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और मेरे को भी क्या वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जहाँ पे आप कॉमेंट करते हैं वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाया करे। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 261। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द कॉस्ट प्राइज ऑफ ए रेडियो इज 600 रुपीज, द 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइज चार्ज टू आर ट्रांसपोर्टेशन आफ्टर एडिंग दैट इफ द नेट प्रॉफिट टू बी मेड इज 15% द सेलिंग प्राइज ऑफ द रेडियो इज। कहा जा रहा है एक रेडियो का क्रैमूल 600 रुपये है, क्रैमूल का 5% यातायात पर खर्च होता है, तो सबको जोड़कर यदि 15% का लाभ कमाता है तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से हम करेंगे, किस तरह से हम करेंगे ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट प्राइस कितना था रेडियो का, 600 रुपये, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पे क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है 5% किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया क्या 600 का 5%, 600 का 5% कितना हो गया, 30 रुपया खर्च किया। यानी उसका टोटल कॉस्ट यानी टोटल सीपी की बात करें तो क्या हो गया 600, और ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया ये भी उसका ही कॉस्ट है, यानी क्या हो गया 630। यानी जो कॉस्ट प्राइस टोटल सीपी कितना है 630, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है 15%। 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20, प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी सीपी अगर मैं बात करूं सीपी 20 यूनिट है, प्रॉफिट है 3 यूनिट, तो आपको सेलिंग प्राइस कितना यूनिट हो गया 23 यूनिट, क्योंकि 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20। और ऑलरेडी मैं परसेंटेज टॉपिक कवरअप कर चुका हूँ, देखो ध्यान से 20 यूनिट सीपी, यहाँ पे 20 यूनिट है, यहाँ पे सीपी कितना है 630, यानी 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 630 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63/2 रुपये के बराबर। तो हमसे पूछा क्या गया है, सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस कितना यूनिट है 23 यूनिट, यानी 23 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63 × 23/2। बस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेना, 63 × 23 कितना हो जाएगा आपको, देखिए 63 × 23 हो जाएगा आपका, जितना भी हो जाएगा देखो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना, 63 में 20+3 इस तरह से कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 6, 6 × 12, 1260+ इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 9 × 6 = 18, यानी कितना हो गया 9, 8, 6, 14, 2, 1, 3, 1, 4, और ये कितना हो गया, यानी आया हमारा इसकी वैल्यू 1449, और नीचे क्या था 2, 2 से डिवाइड करूं तो देखिए 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8.5, यानी इतना रुपया क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, 724.5 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। और ये क्वेश्चन एमटीएस 2013 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 262। देखिए क्वेश्चन नंबर 262 क्या कहा गया है, ए शॉपकीपर परचेज्ड ए टीवी फॉर 2000 रुपीज एंड ए रेडियो फॉर 750 रुपीज।
कहा जा रहा है कोई एक दुकानदार है, उसने टीवी परचेज किया 2000 रुपए में और रेडियो परचेज किया उसने 750 रुपए में। आगे बढ़ते हैं, ही सेल द टीवी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द रेडियो एट ए लॉस ऑफ 5%, द टोटल लॉस और गेन ईच। तो फिर उसका टोटल लॉस और गेन फाइंड आउट करो। अब खुद सोचो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 2000 प्लस 2750 यानी 2750 रुपया, ये क्या हो गया टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, जब वो बेच रहा है, देखो टोटल गेन और लॉस क्या होगा, गेन और लॉस तब कब होगा जब आपके पास सेलिंग प्राइस पता हो। तो कॉस्ट प्राइस तो पता है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जब वो 2000 को बेच रहा है, दो टीवी को बेच रहा है, तो उस पर क्या कर रहा है 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 2000 पे उसने क्या किया 20% प्रॉफिट कमाया, यानी 120% में बेचा, यानी 120/100। अब देखिए ध्यान से, अब क्या कहा जा रहा है, रेडियो, रेडियो की प्राइस कितनी है 750, 750 को किस परसेंट के लॉस पे बेच रहा है, 5% के लॉस पे बेच रहा है, यानी बेचा कितने में होगा उसको, अगर 5% के लॉस में बेचा है तो 100-5 यानी 95% में बेचा होगा, और ये टोटल सीपी निकल जाएगा यहाँ से, 2-0 से 2-0 कैंसिल, 1-0 से, चलो यहाँ पे मैं इस तरह से निकाल देता हूँ, यहाँ पे क्या कर दूँ, इस तरह से कर लेते हैं, 1-0 से 1-0 कैंसिल, 19-5-95, 5-2-10, ठीक है। यहाँ पे एसपी कितना हो गया, 12-2-24 और 2-0 2400 प्लस यहाँ पे 75 × 59, देखिए ध्यान से 75 × 50 sorry 19/2 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 712.5, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो 712.5 यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 3112.5, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 2750, तो अब खुद सोचो कॉस्ट प्राइस इतना है, बेचा ज्यादा में क्या होगा प्रॉफिट, लॉस तो हो नहीं सकता, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होता क्या है एसपी माइनस सीपी, दैट मींस 3112.5 माइनस 2750 यानी 0.5 से, यहाँ पे 0.5 होगा, अब यहाँ से मैं करूँ तो ये कितना हो गया 8, यानी लास्ट में 8.50 आना चाहिए, लास्ट में 8.0 घटाने में दिक्कत यहाँ पे हो गई थी, मिस्टेक, देखिए 311.25 माइनस 2750.0, मैम 5 हो गया, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 6 × 5 = 11 7 × 3 = 10, यानी क्या हो गया 362.5, और इतना रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट। ये कौन किस पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी एमटीएस 2013 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 263, देखिए क्वेश्चन नंबर 263 क्या कहा जा रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 buckets एंड 5 mugs इज 92 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 5 buckets एंड 8 mug इज 77, द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 mug एंड 3 buckets इज, कहा गया है। देखिए ध्यान से, मैं लेट सपोज बकेट्स की कॉस्ट प्राइस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट सपोज बकेट है BUCKET, बकेट का सीपी क्या है मैं मान लेता हूँ B, एंड मग का कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूँ क्या M, X और Y ना मान के मैंने B और M माना, 8 बकेट है तो 8 इंटू कॉस्ट प्राइस उसका क्या है, चलो मैं इस तरह से दिखाना चाहूंगा आपको, देखिएगा ध्यान से, 8 बकेट का कॉस्ट प्राइस B है तो 8B प्लस 5 mug और दोनों का कॉस्ट मिला के कितना है 92, ये इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बकेट यानी 5 बकेट्स प्लस 8 मग, इनका कॉस्ट टोटल कितना है 77, इक्वेशन 2। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हमसे निकालना है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 mug प्लस 3 बकेट, अगर हमें ये किसी तरह फाइंड आउट हो जाए मग M और B की वैल्यू, तो हम आसानी से इसकी निकाल देंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करें, ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं आपको यहां से बताता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत करने का तरीका है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 1 + 2 को ऐड कर दूं
तो कितना होगा? देखो वन प्लस टू को ऐड कर रहा हूँ तो 13 बकेट प्लस 13 मग इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ू तो 7 × 2 = 9, 9 × 7 = 16, 169, 13 इन दोनों में से कॉमन कर लूँ तो क्या हो गया, बकेट प्लस मग इज इक्वल टू 169, यानी कितना हो गया, बकेट प्लस मग कितना हो गया 30। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे मैं दूसरे केस में अगर मैं 2 − 1 कर देता हूँ या 1 − 2 कर देता हूँ, 1 − 2 एक बार हमने ऐड किया एक बार घटा दे, तो अगर मैं घटाऊंगा तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 8b − 5b कितना हो गया 3b, 5m − 8m यानी क्या हो गया −3m इज इक्वल टू 92 में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 और ये बचा 8, 15। यानी अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन कर लूँ इन दोनों में से, यहाँ से तो 3 कॉमन कर लिया तो बकेट माइनस एम कितना हो गया 15, तो ये कितना हो गया 5। यानी हमारे पास इक्वेशन अगर ये 3 है और इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूँ, अब सारा कुछ हटा देता हूँ मेरे पास आया क्या, हम इन दोनों इक्वेशन को सिर्फ लेके चलेंगे, बकेट प्लस मग 13 और बकेट्स प्लस मग बकेट्स माइनस मग 5। अब मैं सारा कुछ मिटा रहा हूँ, सिर्फ हम लिख रहे हैं बकेट्स प्लस मग कितना आया था 13 और बकेट्स माइनस मग कितना आया था 5। ये इक्वेशन फर्स्ट थर्ड है और ये इक्वेशन फोर्थ। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो गया 2b इज इक्वल टू 18, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 9। अगर b की वैल्यू 9 आ गई तो m की वैल्यू निकाल दें इस इक्वेशन थर्ड से, b प्लस m कितना दिया गया है 13, अगर b की वैल्यू 9 है तो m की वैल्यू क्या होगा 13 होगा, 4 होगा तभी तो हम जोड़ेंगे, तो m की वैल्यू क्या हो गई 4। और हमसे निकालना क्या था 2 mug + 3 bucket, तो 2 × mug की वैल्यू कितनी आई है 4 + 3 × bucket की वैल्यू कितनी आई है 9, यानी कितना हो गया 8 + 27, दैट मींस 35 प्रूफ है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन SSC CGL टायर 1 के प्री के पेपर में 2013 में पूछा गया था, तो क्वेश्चन का करने का तरीका आपके पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 264। देखिए क्वेश्चन नंबर 264 क्या कहा जा रहा है, ए पर्सन बोट 2 bicycles फॉर 1600 एंड सोल्ड द फर्स्ट एट 10% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 20% प्रॉफिट। इफ ही सोल्ड फर्स्ट 20% प्रॉफिट एंड सेकंड 10% प्रॉफिट ही वुड गेट 5 more, द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 bicycles वाज। देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझने वाला है। लेट सपोज आपके पास, देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, पहले के केस में क्या कहा जा रहा है, 10% प्रॉफिट पहले को और दूसरे को 20% प्रॉफिट। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10 और 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 10 प्रॉफिट का मतलब प्लस, प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी पहले के केस में सीपी इतना है और सीपी इतना है। अब देखिए पहली, देखो केस फर्स्ट में कॉस्ट प्राइस कितना है 10 यूनिट और दूसरे वाले को बेच रहा है, 2 bicycles है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट वाले को कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट, दूसरे वाले का 5 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, फर्स्ट का 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, यानी 10 कॉस्ट प्राइस था, 1 यूनिट का प्रॉफिट 11, यानी कि 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस था, 1 यूनिट यानी 12 में बेचा। लेकिन उसने अपने माइंड को चेंज कर दिया, इफ ही सोल्ड एट फर्स्ट एज 20%, वो पहले को 20% पे बेचता और दूसरे को बेचता 10% के प्रॉफिट पे, तो उसको 5 रुपया ज्यादा मिलता। अब देखो ध्यान से, पहले के केस में वही तो कॉस्ट प्राइस तो उतना ही है उसका 10 और 5, लेकिन देखिए ध्यान से दूसरे जब केस में बेच रहा है तो अब ये देखो, अब इस कॉस्ट प्राइस इतना है, 10 और 5 वही था, ये दूसरा अगर ऐसा ना हो करके वो सिचुएशन कहा जा रहा कि ऐसा होता, यानी कॉस्ट प्राइस तो उतना ही है, 10 और 5 हमने माना था, लेकिन अब 20% प्रॉफिट, 10 का 20% कितना होगा 2 रुपए का प्रॉफिट, यानी अब कितना में बेच रहा है 12 में, और दूसरे वाले केस में 5-10% प्रॉफिट, 5 का 10% कितना होता है 5/10 यानी 1/2 यानी 0.5 का प्रॉफिट हुआ, यानी बेचा कितने में 5.5 का।
अब देखो ध्यान से, ऐसा करने पे उसको क्या हो रहा है, 5 रुपया ज्यादा, इफ यू ही वुड गेट 5 मोर। अब बताओ यहाँ पे पहले वाले केस में टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 11 और 16 17, और यहाँ के केस में टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 12 और 5 पॉइंट था, यानी क्या हो गया 17.5। दोनों में ये कितना ज्यादा हो रहा है, या ये इससे कितना ज्यादा है, 0.5 यूनिट, और 0.5 यूनिट की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी गई है, 5 रुपए के बराबर। अब हमसे पूछा क्या क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बाइसिकल, डिफरेंस बताओ, सीपी एक के केस में है 10 और दूसरे के केस में है 5, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना यूनिट हुआ, 5 यूनिट। यही 5 यूनिट की वैल्यू पूछा जा रहा है, एक यूनिट की वैल्यू 5 बाई 0.5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 5/0.5, इसको मैं हटाऊं तो ऊपर चला जाएगा 10, 5 से 2 यानी 25, 25 दुनी 50 रुपया, यानी दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला करके डिफरेंस जो था बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस का वो कितना था, 50 रुपए का डिफरेंस था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन का बनाने का बेस्ट तरीका है, ये क्वेश्चन को इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 265। देखिए क्वेश्चन नंबर 265 क्या कहा जा रहा है, ए मैन बाई 3 cow and 8 goats इतना रुपीज, इंस्टेड ऑफ 8 cow and 3 goat ही हैड टू पे इतना रुपया मोर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 cow each। देखिए ध्यान से क्या कहा जा रहा है, लेट सपोज काऊ का कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूँ सी है, और गोट का कॉस्ट प्राइस क्या है मैं मान लेता हूँ जी है। अब देखिए ध्यान से, कैपिटल जी मान लो, चलो कैपिटल जी मान लेता हूँ। अब देखिए 3 cow यानी 3 cost price काऊ का सी है, 8 goat यानी कॉस्ट प्राइस गोट का जी है, इज इक्वल टू टोटल मिला करके उसने कितना में बाई किया, 47200। ये इक्वेशन फर्स्ट, दूसरी के केस में इन स्टेड ऑफ इसके बदले वो क्या कर रहा है, 8 cow 8 cow का कॉस्ट प्राइस सी एंड 3 goats ऐसा कर रहा है, तो वो क्या इतना रुपया ज्यादा में बेच रहा है, यानी पहले बेच रहा था 47, देखो पहले बेच रहा था 47200 में, उससे ज्यादा कितना 5300 ज्यादा बेच रहा है, यानी ये इक्वेशन सेकेंड, 5300 ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैं जोड़ता हूँ, इसको जोड़ रहा हूँ, देखो ध्यान से इसको मैं जोड़ रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो 0 0, देखो 53000 में से मैं 47200 को जोड़ रहा हूँ, तो 0 0 2 7 3 10 5 4 9 1 10, यानी कितना आया, 1002 इतना। ये इक्वेशन सेकेंड था। अब देखिए ध्यान से, मैं 1 + 2 करने जा रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11 cow प्लस 8 और 3 कितना हो गया, 11 goat इज इक्वल टू, ये और ये जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, चलो मैं जोड़ के दिखा ही देता हूँ, वैसे आपको पता हो जाना चाहिए 1474 00, यही हो जाएगा क्योंकि 2 2 4 7, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड, अगर थर्ड नहीं तो इसको मैं इस तरह से मान लूँ, सॉरी एक मिनट, ठीक है ये इक्वेशन है, यहाँ से 11 दोनों में है ना कॉमन कर लूँ, दोनों में 11 कॉमन कर लूंगा तो क्या हो गया, सी प्लस जी इज इक्वल टू 1474 00, 11 से मैं काट दूँ तो 11 1 11 3 बचा, 11 3 33 11 44, ये इतना हो गया, यानी हमारे पास आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काऊ प्लस गोट मिलाकर के 1300, ये इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब देखो इक्वेशन 1 में से 2 को घटाता हूँ, या इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दूँ, जो भी मर्जी है उसको कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करता हूँ, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना हो गया 5, देखो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो 5 cow माइनस इसमें से इसको करूंगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस 5 goat इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा 53000, ठीक है। अब यहां से 5 कॉमन कर लूं तो काऊ माइनस गाय कितना हो जाएगा 53000, 5 से कैंसिल करूं तो 5 1 5 0 5 6 30, इतना आ गया 10600, यानी सी माइनस जी कितना आ गया 10600, इक्वेशन 4। अब मैं सारा कुछ मिटा रहा हूं, सिर्फ इक्वेशन 3 और 4 लिखने जा रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन 3 और 4,
यानी हमारा आया था काउ प्लस गोट कितना आया था 13400, ये इक्वेशन थर्ड था। और गोट कितना आया था, काउ माइनस गोट का डिफरेंस कितना आया था 10600, इक्वेशन फोर आया। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तो अगर मैं ऐड करूंगा तो टू काउ इज इक्वल टू, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 24000 आ जाएगा। तो काउ कितना हो गया 12000, काउ 12000 हो गया। मैं यहाँ पे रख दूं, देखिए यहाँ पे मैं 12000 काउ इक्वेशन थर्ड में रख रहा हूँ इसकी वैल्यू, तो काउ प्लस गोट इज इक्वल टू 13400 है का, ठीक है, काउ की वैल्यू मैं रख दूं 12000 प्लस गोट इज इक्वल टू 13400, तो गोट कितना हो गया 13400 माइनस 12000, तो गोट यानी बकरी कितनी, गोट्स कितने हो गए, चलो मैं इसको घटाऊंगा तो कितना हो गया 1400 रुपया, इतना आ गया, सीख इतनी आ गई। अब हमसे पूछा गया कॉस्ट ऑफ वन काउ, वन काउ वन सी पूछा गया है, तो वन इंटू काउ कितना है 12000, यानी एक बकरी का दाम, सॉरी एक गाय का दाम कितना है 12000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बस ये क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 266। देखिए 266 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लो। देखिए क्या कहा गया है, अब यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए कहा जा रहा है ए फ्रूट सेलर बाई 240 एप्पल ऑफ 600 रुपी, यानी 240 एप्पल वो कितने में खरीद रहा है 600 रुपए। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ दीज एप्पल आर रूटेन एंड थ्रो अवे, यानी क्या उसमें से कुछ एप्पल जो हैं वो खराब थे इसीलिए उसने थ्रो अवे कर दिया, यानी उसको फेंक दिया। ही सेल द रिमेनिंग एप्पल एट इतना रुपया ईच एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 198, द परसेंटेज एप्पल थ्रो अवे आर। अब देखिए क्वेश्चन का क्या कहा जा रहा है कि 240 एप्पल 600 में तो खरीदता है, उसमें से कुछ एप्पल क्या हो रहा है, उसका सड़ जा रहा है, कुछ एप्पल क्या है सड़ जा रहा है, जिसकी वजह से वो रिमेनिंग एप्पल जो बचे हुए एप्पल को किस हिसाब से बेच रहा है 3.50 ईच, यानी कि 3.50 ईच बेच रहा है, ऐसे करने से उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 198 रुपए का। अब देखो बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है 198 रुपए का, यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट कितना है 600 और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 198, तो सेलिंग प्राइस यानी बेचा कितने, क्योंकि प्रॉफिट अगर 198 का कमा रहा है यानी बेचा कितने में होगा तो 798 रुपए में बेचा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अब ध्यान से देखने वाली बात, अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वो बेच रहा है, देखो वो बेच रहा है इतना रुपया ईच, यानी कि एक एप्पल को, अब मैं कैसे निकालूं कि उसने कितना एप्पल बेचा ये पता कर लें हम। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं 3.50 रुपए में वो क्या कर रहा है, एक एप्पल को बेच रहा है, एक एप्पल को क्या कर रहा है सेल कर रहा है, तो एक रुपए में कितने एप्पल को करेगा 1/3.50, उसने बेचा कितने रुपए में है 798 में, यानी 798 इंटू 1/3.50। आपको पता है 3.50 को मैं लिख सकता हूँ 7/2, क्योंकि 7/2 का वैल्यू क्या होता है 3.5, यानी इसको मैं लिखूँ 7/2 तो 7 नीचे रह गया 2 ऊपर चला जाएगा। अब 7 से मैं कैंसिल करूँ तो 7 × 7 = 28, 114 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 11, 2, 22, यानी उसने इतना एप्पल क्या किया बेचा। अब खुद सोचो, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए ध्यान से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, उसने 240 एप्पल क्या किया था बाई किया था, उसने बेचा कितना एप्पल 228 एप्पल क्या किया उसने सेल कर दिया, तो उसका एप्पल कितना खराब हो गया सड़ गया, यानी कि 2 ये बचा 3 यानी कि 12 एप्पल क्या हो गया उसका सड़ गया था ना, 12 एप्पल क्या रिमेनिंग ये जो बचा 12 एप्पल सड़ गया होगा तभी तो उसने 228 ही एप्पल बेचा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला पॉइंट क्या है, कहा जा रहा है द परसेंटेज एप्पल थ्रो आउट, परसेंटेज एप्पल कितना एप्पल सड़ गया था 12,
कितना एप्पल में से, 240 एप्पल में से परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 12 दूनी 24, 20, 500, यानी 5% उसका एप्पल क्या हो गया था, सड़ गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2015 में मॉर्निंग के शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 267। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 267 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है ए वेंडर परचेज 14 डोजेन बनाना 250 रुपए में। 40 दर्जन बनाना क्या कर रहा है, 250 रुपए में खरीद रहा है। आउट ऑफ दिस 30 बनाना वेयर रूटेन एंड कुड नॉट बी सोल्ड, एट व्हाट रेट पर डोजेन शुड ही सेल द रिमेनिंग बनाना टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब यहां पे समझने वाली बात देखिए ध्यान से, 40 डोजेन बनाना कितने में बेच रहा है वो, 250, ठीक है। उसमें से, ठीक है, उसमें से 30 बनाना, जो 30 बनाना है वो क्या हो रहा है, सड़ जा रहा है, यानी ये खराब हो गया। उसके बाद ऐसा करने के बाद वो किस रेट से पर डोजन बेचे, एक दर्जन को किस रेट से बेचे कि फिर भी उसको बनाने में 20% का प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। तो मैं पहले प्रॉफिट निकाल दूं, कॉस्ट प्राइस 250, 40 डोजन बनाना का सीपी इतना है, तो चलो मैं सेलिंग प्राइस निकाल देता हूँ, तो 250 का 20% प्रॉफिट हो, बेचा कितने में, 120% में। कैंसिल कैंसिल, 25 12 कितना होता है, 25 × 12 300 आपके माइंड में होना चाहिए क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, 300 रुपये हो गए। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपको समझने वाला बात क्या है, यहाँ पे देखिए 300 बना, 300 रुपये में वो क्या कर रहा है, बनाना को बेच रहा है। अब देखिए डोजन का मतलब 40 डोजन था, एक दर्जन में 12 बनाना, इतना बनाना को कितने में खरीद रहा था, 250 में रुपये में, तो एक बनाना को, सॉरी यहाँ पे ठीक है, एक बनाना को क्या हो जाएगा, एक बनाना को कितना में हो जाएगा, 250 upon 40 × 12, यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया, 25 upon, इतना जरूरत ही नहीं है, एक बनाना की नहीं निकालने की जरूरत है, हम इस तरह से करते थे, उस तरह से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से ही सोल्व कर लें। देखिए ध्यान से, सेलिंग प्राइस बेच रहा है इतने में, देखो 40 डोजन था, तो 40 × एक डोजन में 12, यानी 12 12 × 48, 480 क्या था, बनाना था उसके पास, उसने खरीदा था, इसमें से 30 बनाना सड़ गए, 30 बनाना सड़ गए, यानी बेचा कितना, 450 बनाना। अब यहाँ पे आ गए हम पॉइंट पे, अब बताओ देखो ध्यान से, यहाँ पे 450 बनाना, B4 बनाना को कितने में बेच रहा है, 300 रुपए में, एक बनाना को कितने में बेचेगा, 300 upon 450 रुपए में। उसने क्या कहा जा रहा है, पर डोजन, यानी एक दर्जन बनाना को किस रेट में बेचे, यानी पर डोजन का मतलब 12 बनाना की बात किया जा रहा है, तो 12 बनाना को 300 × 12 upon 450 रुपए, यही आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं किस तरह से निकाल रहा हूँ, 10 से 10 कैंसिल, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 3 × 4 = 12, यानी एक बनाने को 4 × 2 यानी 8 रुपए में क्या कर रहा है, एक बनाना, एक दर्जन बनाना यानी 12 बनाना, यानी कि 1 डोजन, यानी एक दर्जन बनाना को किस रुपए में बेच रहा है, 8 रुपए में बेच रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एसएससी एलडीसी 2015 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 268। देखिए क्वेश्चन नंबर 268 क्या कहा जा रहा है, पवन कॉल अर्न्स 15% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट लॉसेस 10% ऑफ अनदर इन्वेस्टमेंट। कहा जा रहा है कि पवन कोल एक निवेश पर 15% लाभ कमाता है, लेकिन दूसरे निवेश पर उसे 10% की हानि हो जाती है। इफ द रेशियो ऑफ टू इन्वेस्टमेंट इज इतना, देन द कंबाइंड लॉस परसेंट इज। अब देखो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 3:5, तो मैं इस तरह से मान सकता हूँ कि ये मान लो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट का रेशियो था, मान लो थे ए और बी दो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं इस तरह से मान लू 300 और 500 इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनका रेशियो क्या होगा, 3:5, कुछ भी मान सकते हो जिसका रेशियो 3:5। अब क्या है, पहले वाले केस में 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट यानी 300 का 15%
यानी 45 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी बेचा कितने में, 345। यहाँ पे आते हैं दूसरी केस में, देखो ध्यान से, दूसरा केस में उसको क्या हो रहा है, 10% का लॉस, 10% का लॉस, 500 का 10% 50, यानी लॉस, यानी बेचा कितने में, यानी उसके सेलिंग कितना में किया, इतना लगाया इतना, और फाइनली उसको मिला कितना, इतना। सेलिंग प्राइस नहीं बोलेंगे यहाँ पे, मैं बोलूंगा लगाया इतना और मिला इतना। अब खुद सोचो, फायदा कमाने के बाद 45 रुपया फायदा कमाने के बाद उसका उसने इतना फाइनली मिला। अब देखो ध्यान से, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों इन्वेस्टमेंट का मिला करके कितना है, 800। ये क्या है, टोटल सीपी। टोटल टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, इन दोनों को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, 5, 5 4 9, 4 3 7, 795। ये क्या है, टोटल मतलब फाइनली जो उनको मिले, इनको सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट किया उसका फाइनली आउटपुट मिला, ठीक है। तो बताओ कितना का लॉस हुआ, चलो यहाँ पे सेलिंग ना मतलब, ये क्या इन्वेस्टमेंट था, उसके बाद फाइनली उनको रुपये इतना मिल रहा है, यानी फाइनली इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो बताओ कितने का लॉस हुआ, 800 इन्वेस्टमेंट किए, 795 रुपया ही वो क्या कर पाए, कमा पाए, यानी 5 रुपये का लॉस हुआ ओवरऑल, कितने पे, 800 पे, परसेंटेज में करने के लिए 100 से 90। यानी जैसे ही आपने 5/8 देख, 5/8 आ गया आंसर, ये क्या आया, परसेंट, 5/8%, ऑप्शन क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको करने का तरीका आपको पता चल गया आपको किस तरह से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 269। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 269 क्या कहा जा रहा है, ए ट्रेडर सेल टू, क्या लिखा हुआ, टू बुल्स, यानी कि दो बैलों को बेच रहा है कितने रुपए में, इतने रुपए इच, नाइदर लॉसिंग नॉर गेनिंग इन द टोटल, यानी ना तो उसको लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है, इफ ही सोल्ड वन ऑफ द बुल्स एट ए गेन ऑफ 20% एंड अदर इट सेल एट ए लॉस ऑफ। कहा जा रहा है यदि वो एक बैल को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो दूसरे वाले को किस हिसाब से, किस परसेंटेज लॉस पे बेचेगा। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन MTS एग्जाम में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। लेट सपोज दो उसके पास बैल हैं, ए और बी, ठीक है, दोनों को बेच रहा है 84 रुपए ईच, यानी सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, सेम है। अब आगे बढ़ते हैं, एक के केस में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, पहले के केस में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी सीपी 5 यूनिट, प्रॉफिट 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 यूनिट, यानी मैं कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूँ, 5 यूनिट है तो प्रॉफिट 1 यूनिट का हुआ, यानी सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 6 पहले के केस में। अब ध्यान से देखो, दूसरे के केस में नहीं पता है हमें कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, मान लेते हैं कॉस्ट एक्स यूनिट है, लेकिन सेलिंग प्राइस पता है कि दोनों के केस में सेलिंग प्राइस क्या है, सेम, यानी जो सेलिंग प्राइस पहले के केस में है वही सेलिंग प्राइस है। टोटल अब यहां से हमें पता चल गया, देखो टोटल सीपी क्या है, 5 + x, टोटल एसपी क्या है, 6 और 6 = 12 यूनिट, ये क्या है सीपी और ये क्या है एसपी। अब बताओ, कहा गया है ऐसा करने पे ना तो उसको लॉस हो रहा है ना ही उसको प्रॉफिट हो रहा है, दैट मींस ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना में वो खरीदा था उतना में ही क्या कर दिया, बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर होंगे, तभी तो उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, यानी 5 + x = 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। अब यहां समझने वाली बात है, देखो यानी इस वाले की सिचुएशन की बात करें तो बी वाले सिचुएशन की यही कहा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है, 7 यूनिट, लेकिन सेलिंग प्राइस इस केस में कितना यूनिट है, 6 यूनिट, बताओ क्या हुआ, 1 यूनिट का क्या हुआ लॉस, हमें यूनिट परसेंट निकालना है ना, परसेंटेज में कितना लॉस हुआ दूसरे वाले पे, तो कितना पे, 7 पे, परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने के लिए, और आप इतना परसेंट होगा। अब आप पढ़ चुके हो, परसेंटेज कंप्लीट करा चुका हूँ, 314 क्वेश्चन कंप्लीट कर, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू में क्या होता है, 14.28%, या फ्रैक्शन में 14 सही 2/7%, तो या तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा या तो ये ऑप्शन में, आप कर लो, ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 270। देखिए क्वेश्चन नंबर 270 क्या कहा जा रहा है, ए मर्चेंट हैज 1000 kg शुगर, सम पार्ट ऑफ विच ही सेल 8% प्रॉफिट एंड रेस्ट को 18% प्रॉफिट, ही गेन
14% ऑन द होल, द क्वांटिटी ऑफ सोल्ड एट 8% प्रॉफिट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो पहले के केस में बेचने पे, दूसरे के केस में बेचने पे, और उसको क्या हो रहा है। देखो पहले के केस में क्या कर रहा है, बेचने पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का। दूसरे के केस में उसको 18% का प्रॉफिट हो रहा है, और ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो रहा है 14% का। हमने एलिगेशन, ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगाए हैं हम, ऐसे ही तो एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। देखो तो बड़े में से छोटा घटाया, 18 में से 14 घटा, कितना बचा 4%, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6%। अगर इन दोनों का रेशियो निकालूं तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 2 3 8, हमारे पास ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से क्या कहा जा रहा है, एक एक व्यापारी के पास इतना रुपये चीनी था। अब देखो टोटल मिला करके यहाँ पे देखो 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1000 रुपये के जी के बराबर है, चीनी के बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1000/5। हमसे पूछा क्या गया है, क्वांटिटी सोल्ड 8%, 8% वाला कितना क्वांटिटी है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। तो 2 × 1000/5, 5 × 2 = 10, 200, यानी क्या हो गया 400 kg। यानी उसने 8% वाला, क्योंकि 8% यही था ना, 8% वाला कितना kg था, 2 यूनिट था, तो 2 यूनिट की वैल्यू, यानी उसने 400 kg बेचा था 8% वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। और ये क्वेश्चन SSC LDC यानी CHSL के पेपर में 2015 में पूछा गया था। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन देखा, और उसमें प्री CGL के क्वेश्चन देखे, CPO के क्वेश्चन देखे, CHSL के क्वेश्चन देखे, एंड MTS, यानी सारे एग्जाम को ये कवर करता है अगर ये सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे 2 पेड कोर्स हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर रीजनिंग किसी की वीक है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें CGL, CPO, CHSL, MTS सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, यहाँ तक कि आप RRB, NTPC का एग्जाम देने वाले हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए सफिशियंट होगा। 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इसमें, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों सेक्शन मिलेंगे, PDF नोट्स भी मिलेगा और PDF प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा। तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो। इस कोर्स की फी है 300 रुपीज, और आप लाइफ टाइम तक इस कोर्स को यूज कर सकते हो। एक जनरल साइंस कोर्स चल रहा है जिस कोर्स की फी है, ये जनरल साइंस साइंस स्पेशल क्लास है, इसकी कोर्स फी है 499, और ये आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। जो लोग RRB NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जीके जीएस मिलाकर के 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से 12 से 13 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। और जो लोग CGL, CPO, CHSL, MTS की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये कोर्स सफिशियंट होने वाला है। 150+ वीडियो लेक्चर्स में ये कोर्स कंप्लीट होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज कराए जा रहे हैं। उसके बाद आपको PDF प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जा रहा है, यहाँ तक कि आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये कोर्स क्या है, बाइलिंगुअल है। चाहे आप रीजनिंग कोर्स ज्वाइन करो या GS कोर्स ज्वाइन करो, दोनों ही कोर्स बाइलिंगुअल है, यानी क्वेश्चन का फॉर्मेट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब कोर्स के बारे में तो जान लिया आपने, अब कोर्स को बाई कैसे करोगे, तो आप पेटीएम ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा पेटीएम ऐप्स नंबर गिवन है। गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा गूगल तेज ऐप्स नंबर गिवन है। फोनपे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा फोनपे ऐप्स नंबर भी गिवन है। या आप चाहते हो अकाउंट नंबर के थ्रू पे करना, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर डिटेल्स दिया गया है, आप इसके थ्रू भी पे कर सकते हो। या पे करने के बाद आपको किस तरह से कोर्स मिलेगा, आपने पे तो कर दिया, तो पे करने के बाद आप उसकी पिक्स या स्क्रीनशॉट आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक के थ्रू आप इस कोर्स को एक्सेस करना स्टार्ट कर दोगे। थैंक यू, बाय बाय। देखिए अगेन आपसे है कि अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपको उतनी ही वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियो ऐसे ही आती रहें कंटिन्यू, तो आप इस टारगेट को भी अचीव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है वो इसको क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।